दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या आपकी बार 2020-23 की जो LTC है वो कर्मचारियों को मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोस्तों, मिलेगी तो किन किन कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल होगी LTC, और LTC को आप ऑनलाइन भेजोगे या उसके लिए भी पुराना जो ओल्ड पैटर्न होगा ऑफलाइन जो आपकी जो LTC जाती है उसी तरह से जाएगी। और दोस्तों, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि इस तरह की अपडेट और जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इससे पहले दोस्तों, हम आपको एक लेटर दिखा देते हैं जो डायरेक्टरेट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिस एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जो जारी किया गया सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए, और ये जो LTC से संबंधित है दोस्तों, इसीलिए हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए कि LTC जो 2020-23 है उसके लिए क्या कंडीशन हैं, क्या रूल्स चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, और LTC जो है ऑनलाइन जाएगी या ऑफलाइन जाएगी, इसके बारे में हम आपको बताने वाले थे। तो दोस्तों देखिए, विषय में आप देख सकते हैं ब्लॉक 2020-23 की LTC की स्वीकृति हेतु मामले भेजने बारे में। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको भी लिखा जाता है कि अपने अपने खंड में कार्यरत निजी कार्य ब्लॉक ईयर 2020-23 की जो LTC की स्वीकृति है तो आप मामले इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। सर्वप्रथम तो दोस्तों, इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरी वाइज आपको LTC के मामले भेजने होंगे। सर्वप्रथम उन कर्मचारियों की LTC स्वीकृति है तो मामले भेजे जाएँ जो दिनांक 31/3/2021 तक सेवानिवृत्त होंगे, यानी जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट डेट 31/3/2020-21 तक है वो दोस्तों, उनकी LTC का मामला भेजा जाए। उसके बाद अनुसार LTC की स्वीकृति हेतु मामले इस कार्यालय में भेजे जाएं। उसके बाद सीनियरिटी वाइज जो LTC के मामले हैं वो इस कार्यालय को भेजे जाएं। यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी के LTC स्वीकृति का मामला समय पर नहीं भेजा जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की ब्लॉक 2020-23 की LTC स्वीकृति हो चुकी है उनकी LTC सेंशन सहित इस कार्यालय को भेजें ताकि उसका बजट अलॉट किया जा सके, आदेश होगी दृढ़ता से पालन की जाए। तो दोस्तों, LTC के बारे में जो हमें डिटेल आप जानकारी देने वाले थे वो ये है कि आपके LTC के कोई किस तरह की बैन नहीं है, LTC आपको 2020-23 की मिलेगी। मगर दोस्तों, उससे पहले जो कर्मचारी 31/3/2021 को रिटायर होने वाले हैं उन कर्मचारियों को पहले LTC स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद दोस्तों सीनियरिटी वाइज LTC के मामले भेजे जाने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।